नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रिश्तों का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में सो रहे पति की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद बगल में लेटी बेटी के साथ सो गई। पुलिस ने छानबीन की तो महिला की हकीकत सामने आई, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला वाक्या सामने आया है। यहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में सो रहे अपने पति की ही गला काट कर हत्या कर दी। इसके बाद बगल में लेटी बेटी के साथ सो गई। पुलिस ने छानबीन की तो महिला की हकीकत सामने आई, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला उन्नाव जिले के एक गाँव का है। 2 मई को एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली। पुलिस को बताया गया कि घर में सो रहे युवक बेचा लाल की गला काट कर हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना उसके पिता ने पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए सर्विलांस सेल से सुराग लगाया, तो बेचा लाल की हत्या में रायबरेली निवासी संजय का नाम सामने आया। संजय का मृतक बेचा लाल की पत्नी रेखा से 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। संजय चोरी छिपे रेखा से मिलने आया करता था। वो रेखा से शादी करना चाहता था, इसके लिए उसके पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बीते 2 मई को जब रेखा का पति बेचा लाल घर में सो रहा था, तब संजय ने फरसा से बेचा लाल के गले में कई वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद प्रेमी संजय घर से निकल गया और पत्नी रेखा बगल के बिस्तर पे बेटी के साथ सो गई। सुबह बेचा लाल का शव उसके बिस्तर पे पड़ा मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस हत्या में शामिल मृतक की पत्नी रेखा और प्रेमी संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेचा लाल की हत्या में इस्तेमाल हुआ फरसा भी बरामद कर लिया गया है। वही आरोपी पत्नी रेखा ने बताया कि संजय से उसका कई सालों से प्रेम संबंध है। मृतक जिसका विरोध कर मारपीट करता था, हम दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके चलते 1 मई की रात योजनाबद्ध तरीके से प्रेमी के साथ मिलकर पहले सोते समय मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर फरसा से गर्दन पे 4 बार वार कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पे हत्या की धाराओं में FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।